पूरे देश में आगामी 4 फरवरी को कैंसर डे जागरूकता के लिए बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आगामी 4 फरवरी को कैंसर डे के उपलक्ष्य में नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने जश्न जिंदगी के रूप में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राज्य स्वास्थ्य मंत्री SP बघेल, AAAFT के वाइस चांसलर संदीप मारवा, पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश गोयल, NCUI की डायरेक्टर सावित्री सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कैंसर सर्वाइवर यानी जिन्होंने इस जानलेवा बीमारी से बचकर अपना अलग मुकाम बनाया उन सबको सम्मानित भी किया गया और जो लोग इस बीमारी की चपेट में आकर इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं उन्हें नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने आर्थिक सहायता देने की और हर संभव मदद करने की भी घोषणा की। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष सफीना जोसेफ की सराहना की तो वही मुख्य अतिथि के रूप में आए जितेंद्र सिंह शंटी ने भी नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट को बधाई दी और कहा कि कई सालों से देश की महिलाओं को एकजुट कर स्वावलंबी बनाने का कार्य तो ये संस्था करी है तथा उसके साथ ही उनका यह कदम जहाँ आज उन्होंने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया वह बहुत सराहनीय है। आज समाज में अगर नारी शक्ति की तरह हर संस्थाएं भी सामाजिक और देश हित के बारे में थोड़ा सा वक्त निकालेगी तो हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। वहीं नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट फाउंडर सफीना जोसेफ ने इस मौके पर कहा कि घातक बीमारी के प्रति लोगों को सजग करने और इसकी रोकथाम करने के लिए मेरे मन में शुरू से जिज्ञासा थी। मैंने अपने निकटतम लोगों को इस बीमारी के चलते गवाह है तो मैं इस बीमारी के दर्द को समझ सकती हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने आज हमको शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसी परिवार में जब एक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाती है तो सिर्फ इस बीमारी को पीड़ित व्यक्ति ही नहीं झेलता बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग भी आर्थिक और मानसिक रूप से इस बीमारी की वजह से परेशान होते हैं। और क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। शक्ति वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सेमिनार के द्वारा आज यहाँ पर एक शाम उन लोगों के लिए है जो कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए गजल्स और कव्वालीज का आयोजन किया गया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आज़ादी के बाद अगर सबसे अच्छी कोई योजना है वो है प्रधानमंत्री आज नारी शक्ति के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा प्रयास है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जो कैंसर के लिए अवेयर करने का जो प्रयास किया जा रहा है मुझे लगता है ये प्रशासन या सरकार इतनी जल्दी नहीं कर सकती जितनी जल्दी हम सोसाइटीज़ कर सकती हैं। जो नारी शक्ति ने काम किया है इसकी ज़रूरत थी। आप जितना बड़ी समझा लो, लोग जिसने छुप के पीना उसने पीना ही है, लेकिन जब सोसाइटी में लोग उनको टोका टाकी करेंगे और समझाएंगे इसके इसके क्या हशर क्या है इसका, तो लोग रुक जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, पहले से फ़र्क भी पड़ा है। नहीं तो पहले लोग खुले में स्मोकिंग करते थे, आज सरकार ने पाबंदी लगाई तो हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति के आगे बढ़े, हमारे युवा जन लोग पीछे ना जाए। नशा केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, वो यहाँ आए, किस तरीके का आशीर्वाद संस्था को दिया और किस तरीके जी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें आशीर्वाद भी दिया। और मैं सबसे पहले कहूँगी जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी की कृपा से, क्योंकि उनके होते हुए कई उन्होंने कैंसर पेशेंट्स लोगों को ठीक कर दिया था और आज मुझे चुना है कि मैं ये अवेयरनेस कैंप करूं और लोगों को बता सकूं कि लोग अपना ख्याल कैसे रखें और कैंसर से कैसे लड़ सकें। और इन बीसी न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।